पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गई है, तो हिसाब से ड्राइवर को भी देना है। 500 रुपये पीपी किट में लगता है, सब सैनिटाइजर सब उसी में लगता है। मरता है सर जी गार्जियन, तो उसका कोई टच नहीं करना पसंद करता क्या? ड्राइवर से उठाता है 2000 रुपया 500 रुपया बढ़ा कर लेता सर, क्या लेता? मरने वाला का आंकड़ा जानते हैं, जो अभी आंकड़ा बता रहा है उससे डबल हो जाता अगर ये प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहता तो, नहीं पहुंचाता हॉस्पिटल तो। यहाँ ड्राइवर टांग कर गाड़ी में लेकर सर लेके जा रहा है, बांस घाट गुलबी घाट घर ले जा रहा है सर, गाड़ी में टच नहीं करना पसंद करता सर। जो कोरोना निकला हुआ अभी बिना ऑक्सीजन के गाड़ी तो चलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन जाइए लाने तो उसमें भी ब्लैक सिम मिलता है। कोरोना के इस महामारी के दौरान एम्बुलेंस चालकों के द्वारा ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत मिलने के बाद बिहार सरकार ने एक रेट फिक्स किया है, जिसके अनुसार 18 रुपये प्रति किलोमीटर से लेकर 25 रुपये प्रति किलोमीटर या फिर 1500 से लेकर 2500 तक का किराया फिक्स किया गया है। हमारे साथ एम्बुलेंस चालक हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो तय किया गया है किराया, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम लोग। आप क्या चाहते हैं, कितना किराया? किराया सर देखिए, हम लोग मिनिमम कम से कम होना चाहिए, अगर 100 किलोमीटर के 3000 रुपये होना चाहिए, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ठीक नहीं है, मान लीजिए अगर ज़्यादा पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गई है, तो हिसाब से ड्राइवर को भी देना है। 500 रुपये पीपी किट में लगता है, सब सैनिटाइजर सब उसी में लगता है, तो बताइए सर वो 2500 में कहाँ से हम लोग को अथी होगा? नहीं होगा, इससे बढ़िया हम लोग नहीं चला पाएंगे वो ठीक है। जब गाड़ी नहीं मतलब बचवे नहीं करेगा तो फिर ऑक्सीजन का पैसा अलग से लगता है, वो ब्लैके से ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ साथ में रहता है, सब हाँ सब साथ में। बिना ऑक्सीजन के तो गाड़ी चलवे नहीं करेगा अभी अभी के डेट में। जो कोरोना निकला हुआ अभी बिना ऑक्सीजन के गाड़ी तो चलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन जाइए लाने तो उसमें भी ब्लैक से मिलता है। आप बताइए कि हम लोग कितना, क्या सर क्या है आपका, क्या पड़ पाएगा सर? या तो सर मरता सर जी गार्जियन, तो उसका कोई टच नहीं करना पसंद करता क्या? ड्राइवर से उठाता है 2000 रुपया 500 रुपये बढ़ा कर लेता सर, क्या लेता? वहाँ डोम सर डोम भी नहीं, 2000 रुपये में सर लाश उठवाता है गार्जियन सर, गाड़ी में कोई बैठता नहीं है सर, इस तरह का तो काम करता, लेकिन ड्राइवर सर 2 रुपया लेता है सर, 2000 लेता है। यहाँ ड्राइवर टांग कर गाड़ी में लेकर सर लेके जा रहा है बांस घाट गुलबी घाट घर ले जा रहा है सर, गाड़ी में टच नहीं करना पसंद करता है सर। बहुत तरह का प्रक्रिया से एम्बुलेंस वाला सर हिम्मत बांध कर सर बूढ़ी को मरीज को पहुंचा रहा। मिनिमम 3000 रुपये होना चाहिए, 10000 12000? नहीं नहीं, मिनिमम 3000 रुपये होना चाहिए, मिनिमम होगा उसमें 1000 ड्राइवर लेगा प्लस किट उट में खर्चा ये सब है, मिनिमम 30000 रुपये होना चाहिए। किटी पीस भी होता है, सैनिटाइजर भी खर्चा है, 100 रुपया सर पीपी किट में लगता है सर, 200 रुपया सैनिटाइजर गाड़ी में लगता है, ड्राइवर में सोता है सर, सब देखना ना पड़ता है सर, लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा सर, सब खाना बल्ले सर मिला के खाना खाता है सर, सर्विस सर दे रहे हैं, हम सब पेटे चलते सर्विस दे रहे हैं सर। या तो हम सबको बिहार सरकार कहूँ को कहूँ जॉब लगा दे गवर्नमेंट तरह 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 से, तो हम सेवा देंगे। जी जी सर, कैसे ले जाते हैं आप? हम लोग तो अभी लोकल में 1500 से 2000 रुपया में एम्बुलेंस इधर उधर ले जा रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के भी डबल चार्ज लगता है, पहले 250 से 300 रुपया सिलेंडर भराई लगता था, अब 1000 से 1200 रुपया सिलेंडर भराई लगता है। ऑक्सीजन मिलता है? जी जी, खड़ा होने लाइन में लगे घंटा चार घंटा है। पीपी किट में पैसा लगता है बहुत खर्चा, और वह में पेशेंट के अटेंडेंट अगर जिसको डेड बॉडी कर गया, वो कभी गाड़ी में कोरोना वाला में बैठते नहीं है, गाड़ी ड्राइवर को ही कहीं ले जाके कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ता है जहां उनको जाना है, यही सब बात है सर। हम लोग तो अपना परिश्रम कर ही रहे हैं, उठा के बिकवाते हैं वहाँ पर बांस घाट पर जाने के बाद डोम से उठा के बिकवाते हैं, गाड़ी में टच नहीं करते, गाड़ी में बैठते नहीं, आप ड्राइवर को बोलते हैं लेकर चला जाइए, अब पीछे पीछे अपने अपने वाहन से आते हैं, वो सब कहाँ है? तो हम लोग भी डर है ना, हम लोग तो मनुष्य है ना, पैसे के लिए नहीं कर रहे हम लोग कारोबार, उस हिसाब से पैसा कहाँ मिल रहा है सरकार की तरफ से? सरकार का अपना 102 एम्बुलेंस है, उनका ढोबा है, उनका ड्राइवर सब भागा हुआ है, ड्राइवर नहीं है, उनका ड्राइवर कहाँ है? दिखाइए, जन तने गाड़ी फेंका हुआ है लगा हुआ कहीं भी देख लीजिए आप, निजी एम्बुलेंस इन्हें साधन मिले कर रहे हो, तो हम लोग कुछ तो पैसा प्राइवेट को जॉब से हिसाब से नहीं चल रहे, जॉब नहीं ना है, हम बेरोजगार आदमी है, पूंजी लगा के अपन लगा के कैसे जी खा रहे हैं,
बेरोजगारी चरम सीमा है, कहीं साधन भी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी ड्राइवरी कर रहा है, कुछ गाड़ी लेकर कर रहा है, कोई कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें भी आफत हो रहा है, कहाँ से होगा। प्राइवेट एम्बुलेंस अगर नहीं रहे ना सर, तो मरने वाला का आंकड़ा जानते हैं जो अभी आंकड़ा बता रहा है उससे डबल हो जाता अगर प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहता तो, नहीं पहुंचाता हॉस्पिटल तो। आज के डेट में मतलब सब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो पूरा मतलब सरकार रेट निर्धारित कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। उनका गाड़ी कहाँ गया था? चलिए, तो सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उससे एम्बुलेंस चालक सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें और खर्चे भी ज़्यादा हैं, पीपी किट का खर्चा है, ऑक्सीजन का खर्चा है, इन तमाम खर्चों को देखते हुए जो सरकार ने निर्धारित किए हैं जो रेट, वो कहीं से भी उचित नहीं है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।